देखा तो ऐसा लगा एक लड़की। हेलो एवरीवन, आई एम बरखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मजे से मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, जैसे कि कुछ व्लॉग्स हो गए, कुछ कलेक्शन वीडियोस हो गए, तो अगर अभी तक आपने उनको ना देखा हो तो आप उनको भी देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, ऑल्सो मैंने आई बटन में भी उनको ऐड कर दिया, तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियोस कैसी बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। मेरे पास काफी टाइम से क्वेरी आ रही थी मेरी साड़ियों से रिलेटेड, कि मैंने साड़ी कहाँ से ली है और मेरी कौन कौन सी साड़ी है जो शादी में मुझे मिली है, ऐसे काफी क्वेरीज आ रही थी। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आप लोगों में से अगर किसी की शादी होने वाली है तो, या फिर आप अपना कलेक्शन बना रहे हैं, तो थोड़े बहुत आइडियाज आपको मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। और सब मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी साड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो साड़ियाँ आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरी साड़ी कलेक्शन में से कुछ साड़ियाँ हैं। मैंने सारी साड़ियाँ नहीं ऐड किए, बिकॉज अगर मैं सारी साड़ियाँ ऐड करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इस वजह से मैंने सिर्फ 5 साड़ियों को ऐड किया है, जो कि मैंने रिसेंटली वियर किया है और जिससे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरी भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं और कहीं ना कहीं आपके लिए भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो कुछ ये है मेरी साड़ियाँ जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साड़ियाँ बहुत ज़्यादा भारी हैं बाय द वे। तो जो पहली साड़ी है वो विदाई की है, मैंने विदाई के टाइम पे इसी साड़ी को वियर किया था। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है और मुझे ससुराल की तरफ से मुझे मिली थी ये साड़ी। और ये देख सकते हैं, इसे पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया हुआ है, इसे ऐसे इसमें पूरे में बना हुआ है। ये कुछ इस तरह का बॉर्डर है इसका और टेसल्स लगे हुए हैं साड़ी में, और बीच में ये कुछ इस तरह से बूटे बने हुए हैं पूरी साड़ी में, और सिल्क की साड़ी है। और ये जो काम है ये एम्ब्रॉयडरी का काम है, ये देखिए ये पीछे से ऐसा है कुछ। इसमें सेल्फ में वर्क है, पूरी साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत भारी भी साड़ी है। इसमें प्लीट्स बहुत अच्छी बनती हैं, तो अगर आप अपना कलेक्शन बना रहे हैं तो कुछ इस तरह की कोई साड़ी ऐड कर सकते हैं जिसपे एम्ब्रॉयडरी हुई हो अच्छे से, ताकि अगर कोई भी फंक्शन पड़े या फिर घर पे कोई भी पूजा हो तो आप उसको वियर कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर और एलिगेंट लगती है। इस पूरी ही साड़ी में इस तरह से मोतियों का वर्क किया गया है और इस तरह से बेल्स भी बनी हुई है, साथ में कुछ इस तरह से स्टोन्स इसमें स्टिक हुए हैं। ओके, तो मैं ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, बट मैं जो जो साड़ी आपको दिखाती जा रही हूँ उस साड़ी का जो ब्लाउज है वो भी मैं साथ में दिखा देती हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें जो ब्लाउज मिला था वो थोड़ा सा लहंगा स्टाइल में ब्लाउज था, तो उसमें ऑलरेडी कटिंग वटिंग सब ऐसे मिली हुई थी। तो इस तरह से ब्लाउज है, बस इसका जो इसकी जो स्लीव्स हैं ये ऑलरेडी ऐसी ही बनी हुई थी, इस वजह से स्लीव्स बहुत छोटी हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अदरवाइज साड़ी का ब्लाउज भी बहुत ज्यादा सुंदर है, इसमें जो पीछे गले में डिजाइन बनी है ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये थी हमारी फर्स्ट साड़ी, मैं साथ में इसकी वीडियो भी अटैच करती जाऊंगी जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। और मैं ट्राई करूंगी जो भी अगर फंक्शन में मैंने उस साड़ी को वियर किया पर्टिकुलर फंक्शन की वीडियो ही ऐड कर दूं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये नॉर्मल डेज में पहनने में कैसी लगती है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट साड़ी की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट साड़ी हमारी कौन सी। तो जो नेक्स्ट साड़ी है वो तो बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली साड़ी है। मैंने जितनी भी साड़ियों की वीडियोस और फोटोज डाली है उसमें से सबसे ज्यादा साड़ी जो पसंद की गई है वो यही साड़ी है। तो जिस साड़ी की मैं बात कर रही हूँ वो ये ब्यूटीफुल सी येलो कलर की साड़ी है, और ये साड़ी बहुत हल्की है और बहुत सॉफ्ट है, और इसमें जो काम हुआ है वो बहुत खूबसूरत है। स्पेशली इसके काम की वजह से लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसकी फोटो डाली थी मुझे इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट आए थे, सभी ने इस साड़ी को बहुत पसंद किया। तो साड़ी का जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से सेल्फ में ही काम हुआ है, काम बहुत सुंदर हुआ है, और छोटे छोटे से इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं। ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर की वजह से साड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसमें भी इस तरह से टेसल्स लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और पूरी ही साड़ी में कुछ इस तरह का वर्क दिया गया है। आई डोंट नो इस साड़ी का क्लोथ कौन सा है, कौन से फैब्रिक में है, बट ये जो भी फैब्रिक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, गर्मियों के लिए एकदम एप्रोप्रिएट साड़ी है, और पूरी ही साड़ी बहुत सुंदर लगती है। पूरी साड़ी में इसी तरह का वर्क दिया हुआ है, काफ़ी लाइट वेट साड़ी है, तो आप इसको डेली वेयर में पहन सकते हैं अगर आपको इस तरह की साड़ियाँ घर में पहनना पसंद है। तो ब्लाउज भी इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा है, तो मैंने इसमें इसी तरह की स्लीव्स बनवाई। मेरे साड़ियों के मोस्टली ब्लाउज आपको ऐसे ही मिलेंगे गोल गले वाले, और सभी साड़ियों में पाइपिंग मिलेगी। बाय द वे ये ब्लाउज मेरी मम्मा ने सिला था, ऑलमोस्ट सभी साड़ियों के ब्लाउज उन्होंने ही सिले हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर सिले हैं। बस वो जो मैंने फर्स्ट साड़ी दिखाई थी वो मुझे अर्जेंट में उसका ब्लाउज सिलवाना था, तो मैंने यहीं से सिलवा लिया था। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट साड़ी की तरफ। तो जो नेक्स्ट साड़ी है वो मुझे मिली थी शादी के टाइम, चुनरी जो चढ़ाई जाती है वो है,
ये साड़ी भी सबको बहुत पसंद आई थी। मैंने अपने मंडप सिरवाने वाली पूजा होती है, मैंने उसमें ये पहना था। उसके बाद मेरे यहाँ भैया की शादी थी, उसमें जो थोड़ी बहुत पूजा होती है मैंने उसमें भी ये साड़ी पहनी हुई। अगर आपने व्लॉग्स नहीं देखा है तो आप उस व्लॉग को भी देख सकते हैं, मैंने उसमें ये साड़ी पहन रखी। तो जिस साड़ी के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो ये साड़ी है। तो ये साड़ी का जो ऑर्डर है वो इतना ज्यादा हैवी है कि ये साड़ी गर्मी में तो मैं बिल्कुल पहन ही नहीं सकती हूँ। ये देखिए इस तरह से कुछ ये साड़ी का बॉर्डर है। और चुनरी वाली साड़ियाँ यूजुअली बहुत हल्की होती हैं, बट ये पर्टिकुलर साड़ी कुछ ज़्यादा ही हैवी है। मेरी माताजी को ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई बिकॉज इसका कलर जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। कई वो अक्सर बोलती हैं कि ये साड़ी पहना करो तुम, क्योंकि चुनरी वाली जो साड़ी होती है वो पहन डालनी होती है, मतलब जितनी जल्दी आप पहन डालो उतना ही अच्छा होता है, वो काफ़ी टाइम तक आपको रखना नहीं होता है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि इसको पहन डालो, बट ये इतनी भारी है इसके बॉर्डर की वजह से फंक्शन में ही कोई, मतलब कोई पूजा या कोई फंक्शन होता तभी मैं पहन पाती हूँ। मैं पूरा दिन इसको पहन के नहीं रह सकती हूँ, तो इस वजह से मैं इसको नहीं पहन पाती हूँ। इस गोल्डन वाली लेस लगी हुई है और इस तरह से पैच लगे हुए हैं। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी है। मैंने इसका ब्लाउज स्टार्टिंग में नहीं सिलवाया था, तो मैंने ब्लाउज एक दो एक्स्ट्रा ब्लाउज सिलवा लिए थे रेड कलर में, तो मैंने उसी को मिक्स मैच करके इसमें पहन लिया था। अदरवाइज इसका मम्मी ने अभी इस बार ही ब्लाउज सिल दिया है। वैसे मैं ये वाला ब्लाउज इसके साथ पहन लेती हूँ। इसका इस तरह से कुछ है, स्लीव्स कुछ इस तरह से। ये ब्लाउज भी काफी सुंदर सा ब्लाउज है। और अदरवाइज इसके साथ जो ब्लाउज मिला है वो ये ब्लाउज है। ये मम्मी ने अभी रिसेंटली सिला है और अभी मैंने इसको पहनकर भी नहीं देखा है, तो इसको पहनकर भी ट्राई करना है कि ब्लाउज कैसा है फिटिंग का। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट साड़ी की तरफ। जो नेक्स्ट साड़ी है वो मेरी फेवरेट साड़ी है। उसको जब मैं पहनती हूँ तो एक अलग ही ग्रेस आता है। रिसेंटली मैं कुष्मांडा देवी गई थी, तब मैंने ये साड़ी पहनी थी, सबको वो साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इस साड़ी में सबको कन्फ्यूजन होता है कि इसका एक्चुअल में कलर क्या है। कुछ को रेड लगती है, कुछ को ऑरेंज लगती है, कुछ को पिंक लगती है। तो आज मैं दिखा देती हूँ कि इसका एक्चुअल कलर कौन सा है। तो जिस साड़ी के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो साड़ी है हमारी ये। ये साड़ी मैंने राजरतन से बाई की थी, मम्मी के साथ गई थी मैं लेने के लिए। साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कुछ इस तरह का काम हुआ पड़ा। इसका एक्चुअल जो कलर है वो गाजरी पिंक टाइप का जो होता है ना वो कलर है। और पूरी ही साड़ी में जरी का वर्क हुआ, ये बहुत हैवी साड़ी है। अगर आप इस साड़ी को पहनते ना तो पूरा एकदम साउथ इंडियन लुक आता है। भैया के जनेऊ में मैंने यही साड़ी पहनी थी और मैंने गोल्ड की ज्वेलरी पहन रही थी, बिल्कुल साउथ इंडियन फील दे रही थी ये पर्टिकुलर साड़ी। मतलब अगर आप इस साड़ी को पहन रहे हो तो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये साड़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवी है। तो इस साड़ी का जो पल्लू है, तो इस साड़ी का जो पल्लू है वो कुछ इस तरह का है, पूरा जरी का काम है। और बैक साइड से कुछ ऐसा दिखेगा, ये बैक साइड से जो ये दिखता है ये थोड़ा सा ख़राब लगता है, अदरवाइज साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पूरे में इस तरह से काम हुआ है और पूरी ही साड़ी में, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाफ में हुआ हो या नीचे नीचे में हुआ, ऐसा नहीं है। पूरी ही साड़ी में कुछ इस तरह से काम हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। और ये सारी साड़ियाँ जो आज मैं दिखा रही हूँ, सारी साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सोचा क्यों ना मेरी जो पसंदीदा साड़ियाँ हैं उनको मैं सबसे पहले दिखाऊँ। तो मैं जितनी भी साड़ी पहनती हूँ वो सारी मेरी फेवरेट होती है, तभी मैं पहनती हूँ। अदरवाइज अगर साड़ी आती है और मुझे नहीं पसंद होती तो वो रखी रहती है, मैं उसे पहनती ही नहीं हूँ। इस वजह से मम्मी मेरी थोड़ी ज़्यादा नाराज रहती है। ओके, तो ब्लाउज की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर साड़ी की, तो इसका जो ब्लाउज की जो स्लीव्स हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, जैसी मुझे चाहिए होती है वो ठीक यहीं तक आती हैं। और कुछ इस तरह का इसका ब्लाउज है, स्लीव्स में कुछ इस तरह से पैटर्न दिया है, स्टार्ट मतलब आगे की तरफ कुछ इस तरह से। इसमें पाइपिंग भी दी हुई है, पाइपिंग इन्होंने साथ में दी थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे हर ब्लाउज में पाइपिंग चाहिए होती है, और अगर नहीं देते हैं वो लोग तो हम इस तरह से पाइपिंग करा लेते हैं। पाइपिंग से क्या होता है ना, इनकी लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाती है, ऊपर से देखने में भी काफ़ी पुट टुगेदर चीज़ें लगती हैं। इस वजह से मुझे पाइपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको भी मैंने सिंपल ही सिलवाया है ब्लाउज, बस ये सिंपल सा गोल गला है और मैंने अलग से कुछ नहीं करा है। ये ब्लाउज भी मम्मी ने ही सिला था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम अपनी नेक्स्ट साड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तो जो कि ये साड़ी है। और ये साड़ी मैंने पहना था अपने भैया के तिलक में, अभी भैया की शादी हुई थी जब मैं लखनऊ गई हुई थी, तो तिलक में मैंने इस साड़ी को पहना हुआ था। ये पिंक कलर की साड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर और सिल्क में है ये साड़ी। ये पूरे में इस तरह से पैटर्न बना हुआ है, ये बीच में पैटर्न बहुत ज़्यादा चला था तो इस वजह से। और ये साड़ी मुझे चढ़ाई में मिली थी, ससुराल की तरफ से मिली है। और ये साड़ी बहुत 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 सुंदर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। और स्पेशली इसका जो ब्लाउज है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, अभी मैं उसको ब्लाउज भी दिखाती हूँ आपको। तो पहले हम साड़ी की बात कर लेते हैं।
तो साड़ी का जो पल्लू है वो कुछ इस तरह से काम हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसमें जो ब्लू वर्क हुआ है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इतना बड़ा सा इधर दिया हुआ है, तो साड़ी का जो किनारा है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, और उसके बाद फिर पूरी ही साड़ी में कुछ इस तरह से वर्क है पूरी साड़ी में, तो इस तरह से दिया हुआ। ऑल्सो जो साइड में जो इसमें बॉर्डर बना हुआ कुछ इस तरह से, तो लाइट वेटेड तो नहीं है, थोड़ी सी हैवी है बट अनकंफर्टेबल फील नहीं कराती, और बहुत अच्छे से प्लीट्स बन जाती है इनकी, और पहनने में बहुत ज्यादा एलिगेंट लगती है, और आराम से खुला पल्लू करके अगर आप इसको पहनना चाहते हो तो आप खुला पल्लू करके भी इसको पहन सकते हैं, बहुत ही ग्रेसफुल लगती है पहनने के बाद। ओके, तो अब हम इसके ब्लाउज की बात करें जिसके बारे में बहुत ज्यादा तारीफ मैंने ऑलरेडी कर दी है और सभी ने की है। तो इसका जो ब्लाउज है वो कुछ इस तरह से है, और इस तरह से इसमें स्लीव्स बनी है। अभी रिसेंटली मैंने स्मिता के साथ जो वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने जो बंगाली लुक क्रिएट किया था उसमें जो मैंने साड़ी पहनी है वो भी यही सेम साड़ी है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। अगर आपने नहीं देखी हो तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। और इसमें जो पीछे डोरी है वो डोरी आर्टिफिशियल डोरी जो मिलती हैं बाजार में वो वाली लगाई गई है, और पीछे अगेन मम्मी ने इस तरह का बना दिया जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ओवरऑल जो ब्लाउज है वो ऐसा ब्लाउज है जो अगर आप चाहें तो किसी और साड़ी के साथ भी इसको मैच कर सकते हैं, किसी के साथ भी चला जाएगा, लाइक ये गोल्डन के साथ जाएगा, ब्लू के साथ जाएगा, पिंक के साथ जाएगा, इवन दो रेड के साथ भी जाएगा बिकॉज इसमें रेड काम भी हुआ है, तो ये सभी साड़ियों के साथ आराम से चला जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। और इन वीडियोस के अलावा मैं और किस तरह की वीडियोस बना सकती हूँ जो कि आप देखना चाहें मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा बहुत उनमें इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।